सुफियान हो गया रेडी। सुफियान जा रहा है अपने नानी के घर क्योंकि हम सफ़ा को लेके जाएंगे हॉस्पिटल। सुफियान को लेके नहीं जाएंगे क्योंकि सुफियान परेशान हो जाता है, तो इसके लिए नहीं आ रहे हैं इसके मामू। तो ये अपने मामा के साथ जाएगा। सफ़ा सुफियान घुमा रही है, तो ये अब नानी के घर जाके वहाँ पे इंजॉय करेगा। सुफियान चिड़चिड़ा हो रहा है। आओ सफ़ा है मोबाइल में बिजी, पोएम्स देख रही हैं और सफ़ा के बाबा ले रहे हैं क्लासेस, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। तो सफ़ा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो हमने सोचा कि हम उसको चेकअप करा दें रूटीन। तो इंशाल्लाह आपको पता चलता रहेगा कि रूटीन चेकअप सफ़ा के क्यों चलते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको बताती रहूँगी। मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। तो अब हम जाते हैं पार्किंग की तरफ, पार्किंग ढूंढते हैं, फिर सफ़ा का चेकअप कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा का फीवर तो ठीक हो गया, बस मामूली सा फ्लू है, फ्लू भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बस आप सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सफ़ा के बाबा ने पार्किंग देख ली है, तो अब हम करते हैं गाड़ी पार्क और दैन फिर हम चलते हैं अंदर, सफ़ा का करवाते हैं चेकअप, देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं। वेटिंग पे हैं हम, सफ़ा का नाम कॉल होगा, देन हम फिर अंदर चेकअप के लिए जाएंगे। सफ़ा नहीं रहिएगा। क्या कह रही है? हॉस्पिटल आके सफ़ा मुझे बहुत तंग करती है, तो अपने बाबा के साथ सही रहती है, तो सफ़ा के बाबा सफ़ा को संभाल रहे हैं। सफ़ा सफ़ा वो देखो बेबी खेलना, मैं तेरे सामने बाबा तो आ गए। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, अब हम जाएंगे घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और आप लोग देखते रहिए ऐसे वीडियोस, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नए ब्लॉग में और नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।